प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुप्त साम्राज्य का पाठ है ये दूसरा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में आपको चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में समझाया था। अब आगे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में जो हमें एक नाम दिखता है और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक शासक जिसका नाम आता है, जो किताबों में बहुत कम दिया गया है, लेकिन उसका वर्णन जो अच्छी परीक्षा होती है या लेबलिंग परीक्षा है, उनमें इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिस्कस करेंगे, कुमारगुप्त के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में और नरसिंह बालादित्य के बारे में और अंतिम शासक विष्णुगुप्त के बारे में। यहाँ पर इन शासकों पर हम चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, टाइम ज़्यादा न लेते हुए स्टार्टिंग करते हैं। गुप्त साम्राज्य में यानी कि रामगुप्त शासक के बारे में। तो प्यारे बच्चों, रामगुप्त जो यहाँ पर जो हमने लिखा है, रामगुप्त यानी कि शासक का नाम, हाँ, तो प्यारे बच्चों की जो रामगुप्त जो दिया गया है शासक, इसकी जो जानकारी जो हमें प्राप्त होती है इतिहास से, किताबों से, तो यहाँ पे है देवी चंद्रगुप्तम, एक नाटक है, इसका ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ लिया जाता है देवी चंद्रगुप्तम क्या है, नाटक है और किसके द्वारा यानी कि रचित है या लिखित है, इनके लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे विशाखदत्त। और समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है, गद्दी पर बैठा, ऐसी जानकारी देता है या प्राप्त होती है, शकों से पराजित हुआ और उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। रामगुप्त, रामगुप्त का छोटा भाई था जिसका नाम मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम से यहां से मिलती है। यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम, देवी का मतलब है ध्रुव देवी, चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय और यहाँ पे गुप्तम यानी कि यहां से भी लिया गया है सब, ठीक है। ये इसको मिलाकर एक किताब लिखी जिसका यानी कि राइटर है विशाखदत्त। अब जिसने शकों को, यहाँ पे शकों को ध्यान रखेंगे, को पराजित किया, यानी कि भाई जो चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया और विधवा जो ध्रुव देवी थी के साथ विवाह किया, ऐसी जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है। आगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, सर्वप्रथम 1924 में जो रखालदास बनर्जी ने, जिन्होंने 1922 में 23 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो रखालदास बनर्जी ने रामगुप्त की ऐतिहासिक साबित करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता को साबित नहीं कर पाए। इस पर जो प्रयास और किन्होंने किया, वाण भट्ट के हरचरित्र को ध्यान रखेंगे, वाण भट्ट के द्वारा है जो रामगुप्त के बारे में जानकारी देती है। आगे राजशेखर की काव्य मीमांसा, तो यहाँ पर लेखकों के नाम भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी सुमिलित करने के लिए या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काव्य मीमांसा किस राइटर के द्वारा, यानी इसका राइटर कौन है या किसके द्वारा लिखी गई। यहाँ पर एक है अरबी लेखक अबुल हसन, ठीक है, इनकी एक कृति है यानी कि मजूमल उल तवारीख से रामगुप्त का उल्लेख किया गया, तो इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है
यानी कि रामगुप्त के बारे में। तो यहाँ पे जो मैं लाइन खींच रहा हूं मोटी मोटी, इनको ध्यान रखेंगे, एक दृष्टि में सेकंड में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को गद्दी से हटाकर सिंहासन पर बैठा, यानी कि ध्रुव देवी, या इसका दूसरा भी एक नाम मिलता है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, भी मिलता है, से विवाह कर लिया था। यहां से जानकारी प्राप्त होती है इन यानी कि लेखकों के द्वारा लिखी हुई किताबों से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब प्यारे बच्चों यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि दी धारण की, पहला गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, इसकी जानकारी के स्रोत यानी कि कहां से, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि मेहरौली स्तंभ लेख जो कि चंद्रगुप्त का के द्वारा है, और ये कहां पर है, कुतुब मीनार के पास है नियर, यानी कि दिल्ली में मेहरौली में, और इसमें चंद्र जो नामक जो लिखा गया है मेहरौली स्तंभ लेख पे, ये लिखा हुआ है चंद्र। राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है और इसकी पहचान किससे की जाती है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है, वह इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगला जो है स्रोत जो है जानकारी का, यानी कि उदयगिरी गुहा लेख है। चंद्रगुप्त की विजयों का इसमें वर्णन किया गया है, विजयों का ध्यान रखेंगे। अगला जो स्तंभ लेख है यह है मथुरा का स्तंभ लेख, पहला प्रमाणिक गुप्त जिसमें तिथि का उल्लेख किया गया है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से अभिलेख में या स्तंभ लेख में तिथि का उल्लेख किया गया है, तो वो है मथुरा का, ठीक है, गुप्त यानी कि तिथि का, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की समय के था, और ऐसा प्रमाण हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला है प्यारे बच्चों गढ़वा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको दो पॉइंटों को ध्यान रखेंगे, यानी विक्रमादित्य और परम भागवत। आगे नेक्स्ट में यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको भी ध्यान रख सकते हैं जो हाई लेवल पर परीक्षा दे रहे हैं कि किस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है आजकल, क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, चाहे आप किसी लेवल पर भी दे रहे हैं तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो नई नई परीक्षा हो रही है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी है, तो उसमें भी बड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको सिर्फ बोर्ड के अलावा कोई नहीं जानता। बाकी अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है कोई टीचर, तो वो यानी कि मेरे हिसाब से यानी कि गलत दिशा दी जा रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सभी को ध्यान रखना, आपको सबको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता परीक्षा का, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर करमदंडा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री, इनको ध्यान रखेंगे, मंत्री कौन थे, शिखर स्वामी का उल्लेख किया गया है, इनके मंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया, इसको ध्यान रखेंगे, सकारी, सकारी का मतलब है शकों पर विराट विजय यानी कि विजय प्राप्त करने वाला शासक, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला यहाँ पे इन पॉइंटों को ही ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए वैवाहिक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए वैवाहिक संबंधों के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश के, देखिए यहाँ पर कौन है, ये नागवंश की, ठीक है,
राजकुमारी जिसका नाम है कुबेर नागा। इससे समझ जाएंगे कुबेर नागा, नागा का मतलब है नाग वंश की, कि राजकुमारी के साथ विवाह किया। आगे यहाँ पे जो कुबेर नागा थी, यानी कि इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा यानी कि रुद्रसेन के साथ हुआ। इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछ लेता है, क्योंकि इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा शासक ने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे यहाँ पर अपने पुत्र यानी कि जो कुमारगुप्त है, यहाँ पर इसके पुत्र का भी नाम आ गया, का विवाह यानी कि कदम्ब शासक कुकुत्सवर्मन की पुत्री थी, ठीक है, शायद इसका नाम था अनंत देवी, क्योंकि कुमारगुप्त की जो पत्नी है उसका नाम हमें अनंत देवी, ठीक है, इतिहास की किताबों में मिलता है। तो यहाँ पर कुकुश वर्मा की जो पुत्री है अनंत देवी के साथ विवाह किया। अगले देखिए, साम्राज्य का विस्तार किया। आगे इन विवाह संबंध के द्वारा यानी कि इसको जो बेनिफिट प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो पश्चिमी जो मालवा है और जो गुजरात पर इसका अधिकार हो गया, क्योंकि वाकाटक वहीं के गुजरात क्षेत्र में साइड के, तो वहां पर क्या है कि ये अपना प्रभुत्व यानी स्थापित कर लिया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए यानी कि प्रसिद्ध था। इसलिए किसी साम्राज्य के लिए उसकी उन्नति की और समृद्धि का कारण एक व्यापार उन्नति भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में, मालवा का मुख्य नगर जो है यहाँ पर उज्जैन, उज्जैन नगरी का नाम आपने सुना होगा, बहुत समर्थ था इस समय। उज्जैनी को इसलिए यानी कि दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यहाँ ये को इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैनी को। आगे जबकि पहली राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैनी को भी दूसरी राजधानी बनाया, जिससे कि क्षेत्र पर यानी कि वो अपना प्रभुत्व स्थापित रख सके। अगला यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वीरसेन था, ठीक है, वीरसेन यानी कि शैव धर्म का अनुयायी था। और ये संधि विग्राहक, आगे बताएंगे इसके बारे में, जो मौर्य के इनके पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, यानी कि वीरसेन। आगे यहाँ पे एक सेनापति था आम्र कर्दप, ठीक है, आम्र कर्दप, ठीक है, ये बोधिस था और इसका एक बहुत बड़ा सेनापति था, संधि विग्राहक भी बोला जाता है, यानी कि सेनापति के रूप में ये हमें। और सचिव कौन थे? वीरसेन, बहुत बेहतरीन सेनापति और सचिव थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। आगे यहाँ पे बात करते हैं बादशाह, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी जो है यहाँ पे के शासक कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय, इनको पराजित किया। यहाँ पर देखिए धीमे धीमे अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी कि अंतिम जो शासक था उसको पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि जो विक्रम संवत है, तो उज्जैन के जो शासक थे यानी कि विक्रमादित्य, उन्होंने पहली उपाधि धारण की। उसके बाद जो हमें इतिहास में मिलता है नाम, वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष में। और यहाँ पे जो है रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका अर्थ क्या है? पराक्रम का सूर्य, यानी कि सकारी की उपाधि का मतलब है जो पीछे हमने बताई है, इसका मतलब है शकों को पराजित करने के उपलक्ष में भी है। और यहाँ पे मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली यानी कि चांदी के सिक्के चलाए, साम्राज्य विस्तार के लिए सब हो रहा है यहाँ पर। व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के अगर आपसे पूछता है सर्वप्रथम किस शासक ने चलाए, तो वो है चंद्रगुप्त
प्रथम, ये हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, तो दोनों का ही नाम आता है। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण नहीं की, तो यहां पर देवश्री, देवराज, देवगुप्त और विक्रमांक, ठीक है, विक्रमांक ध्यान रखेंगे। यहां पर विक्रमादित्य ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नरेंद्र, विक्रम सिंह, ठीक है, यहां पर सब ध्यान रखेंगे, ठीक है, अजित विक्रम। और यहां पर दो चीज उपाधियों को जरूर ध्यान रखेंगे, जो यानी कि इसने सर्वप्रथम धारण की, विक्रमादित्य और परम भागवत, ये क्वेश्चन ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, यानी कि 9 रतन रहते थे, यानी कि मंडली थी 9 रतन, यानी जैसे कहते हैं 9 रतन, जैसे अकबर अकबर के दरबार में 9 रतन रहते थे। इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पिछले जब मैंने अकबर के 9 रतन पढ़ा था तो उसमें संपूर्ण मैंने सभी रत्नों की जानकारी दी है, अकबर के साथ साथ यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नों के बारे में मैंने वहां पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, संपूर्ण नॉलेज दी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 9 रत्न ध्यान रखेंगे, यानी कि कालिदास, धनवंतरी, ठीक है, धनवंतरी एक जो थे आरोग्य, ठीक है, यानी एक चिकित्सक थे बहुत बड़े, छपड़क, ठीक है, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखा, शंकु इसको ध्यान रखेंगे, बेताल भट्ट, ठीक है, जोशी वगैरह के थे, घट करगर, बराह मिहिर, यानी कि जिन्होंने बाहर बराह मिहिर ने जानकारी दी थी कि जो चंद्रमा है वो यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये जानकारी किसने दी थी, वराह मिहिर। आगे चलते हैं बरुचि, इसलिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को हम, ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्या है, स्वर्णिम काल, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल किसे माना जाता, किस शासन को माना जाता, तो यहां पे है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल है और मध्यकालीन भारत का स्वर्णिम युग या क्लासिकल युग किसे कहा जाता है, तो वो है शाहजहां का शासनकाल, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि कालिदास को दूत बनाकर कहां भेजा था, कुंतल नरेश के दरबार में। आगे यहां पर फाइयान जो है इसी के समय में आया, जो कि चीनी यात्री था और यानी कि 399 से यानी कि 414 ईस्वी तक दरबार में रहा। और यहाँ पे देखेंगे शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र थे जिसकी जानकारी फाइयान देता है, एक शिक्षा का केंद्र कौन सा था, उज्जैनी, और दूसरा कौन था इस समय, यानी कि पाटलिपुत्र, 2 शिक्षा के केंद्र की यानी कि ठीक है जिक्र करता है अपने लेख के द्वारा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुमारगुप्त के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर इसकी ये उपाधि बहुत पूछता है कि महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय किसका नाम है, और तो यहाँ पर कुमारगुप्त का नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका शासन, ठीक है, मैंने डाल दिया है कि शासन का समय क्या था, और यहाँ से विलसर जो अभिलेख है, अभिलेखों को ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो अभिलेख है वो गुप्त वंश के किस शासक ने ज्यादातर अधिक मात्रा में गढ़वाए थे, तो गुप्त वंश में सर्वाधिक जो अभिलेख मिलते हैं हमें कुमारगुप्त के मिलते हैं, किसके, कुमारगुप्त के। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, विल्सल ये भी पूछ लेता है ये कहां पर है, ऐसे सुमेलित करके भी, या किसके द्वारा, ठीक है, ये किसका यानी कि अभिलेख है, या इस अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षा में देखते हैं आप,
तो यहाँ पर विल्सन अभिलेख में भी प्रथम तिथि अंकित की गई है, यानी कि 415 ईस्वी में, जब यानी कि कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा, ऐसी जानकारी विल्सन अभिलेख से मिलती है। आगे यहाँ पर कुमारगुप्त यानी कि इसकी कुमारगुप्त तक की वंशावली मिलती है, चंद्रगुप्त से लेकर के और यहाँ तक की जानकारी किस विल्सन अभिलेख से मिलती है। आगे चलते हैं यहाँ पर मंदसौर प्रस्थि से, ठीक है, 437 ईस्वी पूर्व में ये, ठीक है, मंदसौर प्रस्थि लिखी, यहाँ पर भी तिथि है, यानी कि अब क्या है कि अभिलेखों पर भी तिथि आने लगी है। ठीक है, तो ये कहाँ से, गुप्त पीरियड से, कुमारगुप्त द्वितीय का है ये, ठीक है, कुमारगुप्त की प्रथम, ठीक है, जानकारी यहाँ से मिलती है मंदसौर से। और ये जो मंदसौर प्रस्थि है, ये यानी वत्स भट्टी ने लिखी थी, किसकी रचना है, यानी कि इस पर जो रचित किया गया है वो है वत्स भट्टी, इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुमारगुप्त पूर्व में एक शासक ध्रुव देवी का पुत्र भी मिलता है, ठीक है, इसका यानी किताबों में बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे ये विवादास्पद है, यानी कि गोविंद गुप्त, ठीक है, ध्रुव देवी के एक पुत्र का नाम मिलता है, यानी गोविंद गुप्त, ठीक है, जो कि एक बहुत विवादास्पद है, जो कि इतिहासकारों के लिए। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, ये भीतरी स्तंभ लेख और ये मंदसौर को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, ये जो भीतरी अभिलेख है ये स्कंद गुप्त का है, भैया ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा स्कंद गुप्त का, ध्यान रखेंगे। बीच में कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्य मित्रों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है किस यानी कि अभिलेख से मिलती है, या वो किसका अभिलेख है, ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज आ गई आपकी हुआ। और यानी स्कंद गुप्त ने, यानी कि जो कुमारगुप्त का जो पुत्र कौन, स्कंद गुप्त ने पुष्य मित्र को यानी कि पराजित किया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी स्थापना किसने की थी, यानी कि कुमारगुप्त ने, और ठीक है, और यहाँ पे जो महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की, और यह महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है महायान बौद्ध की, ठीक है। आगे चलते, इसको बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में जब इल्तुतमिश के समय आया, तो यहाँ पर देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, आपके हवाले कर दिया था, और वहां पर बहुत सारी जो प्रतियां थी बोधिष्ठों की, वो जो धरोहर थी वो बहुत नष्ट हो गई थी, यानी कि नुकसान पहुंचा था, किसने, बख्तियार खिलजी ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस यानी के आपताई ने या किस क्रूर शासक ने यानी कि बौद्ध विहार को, नालंदा बौद्ध विहार को यानी कि आपके हवाले कर दिया था, या क्षति पहुंचाई या नष्ट किया, तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर गढ़वा जो अभिलेख है, ठीक है, ये गढ़वा अभिलेख कुमारगुप्त को है, और इसमें परम भागवत, देखिए यहाँ पर ये दूसरी बार नाम आ रहा परम भागवत की उपाधि धारण की, यानी कुमारगुप्त ने भी। आगे यहाँ पर दामोदर ताम्र, ठीक है, लेख ये दिनाजपुर बंगाल में है, और इसमें भूमि के क्रिया विक्रय संबंधी विवरण मिलता है। आगे चलते हैं यहाँ पर मंदसौर जो अभिलेख है, यहाँ से मालवा में है, और यहाँ पर राज्यपाल जो ठीक है बंधु वर्मा के द्वारा एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, ये पूछ ले जाता है, यानी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, कला संस्कृति से, तो ये जो सूर्य मंदिर है राज्यपाल बंधु, ठीक है, बंधु वर्मा के द्वारा, ठीक है, बनवाया गया था ये सूर्य मंदिर, और ऐसी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। आगे इसका एक नाम और मिलता है, यानी कि दसपुर, क्या मिलता है, दसपुर। यहाँ पर एक और जानकारी प्राप्त होती है कि जो रेशम बुनकर थे,
ठीक है, यहां पर एक मंदिर बनाया था, तो वो मंदिर का निर्माण किया था रेशम बुनकरों के, यानी जो व्यापारियों की एक श्रेणी थी, वो आगे बताएंगे। और आगे यहाँ पर तुमन अभिलेख यानी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और यहाँ पर कुमारगुप्त को शरद कालीन सूर्य की भांति इसमें बताया गया है। आगे यहाँ पर कुमारगुप्त पहला शासक था यानी कि जिसके अभिलेख यानी कि बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल क्षेत्र में किसके अभिलेख पाए जाते हैं, तो ये पहला शासक है। ठीक है, कौन, यानी कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, कुमारगुप्त यानी कि दामोदर, वेग्राम, धनदे, ये सब कहाँ, बंगाल में पाए जाते हैं। आगे चलते हैंसांग के विवरण से क्या जानकारी प्राप्त होती है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, ठीक है, का संस्थापक यानी शक्रादित्य, ठीक है, इस समय कौन था, तो यहाँ पर जो संस्थापक तो कौन था, यानी कुमारगुप्त, लेकिन यहाँ पर शक्रा जो दित्य, ठीक है, संस्थापक का मतलब है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का मतलब है एक शक्रादित्य, शक्रादित्य का मतलब है शकों को पराजित करने वाले ने बनवाया। ऐसी जानकारी कहां से मिलती है, हैंसांग के विक्र, तो यहाँ पर शक्रादित्य सकारी शब्द का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछिए, तो वहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर शक्रादित्य, ठीक है, शक्रादित्य, शक्रादित्य, दित्य शब्द आता है तो वो कुमारगुप्त के लिए, सकारी जो शब्द आता है तो यहाँ पर बच्चे गलत करते, सकारी आता है चंद्रगुप्त यानी कि द्वितीय को सकारी कहा गया है, और कुमारगुप्त को जो पुत्र को शक्रादित्य कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर कुमारगुप्त के सिक्के से पता चलता है यहाँ से कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, क्या है, अश्वमेध यज्ञ किया था। आगे कुमारगुप्त के सिक्कों पर गरुड़, ठीक है, गरुड़, ठीक है, यहाँ पर जो गरुड़ था ये यानी कि के स्थान पर, क्योंकि बताया जाता है कि गुप्तों का जो चिन्ह था वो क्या था, गरुड़ था, ठीक है, गरुड़ था, लिख के स्थान पर कुमारगुप्त ने मयूर की आकृति, ठीक है, मिलती है, क्या है, मयूर, मयूर जो है क्या है कि जो मयूर जो आकृति है वो बुद्धिस्टों का, किसका, बुद्धिस्टों का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुमारगुप्त की जो उपाधियां हैं और भी मिलती हैं, यहाँ पर देखिए महेंद्र द्वितीय, ठीक है, क्या है, महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र, ध्यान रखेंगे, महेंद्र द्वितीय, और यहाँ पर अश्वमेध, ठीक है, महेंद्र आदि उपाधियां धारण की, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे महेंद्र द्वितीय यानी कि कुमारगुप्त की ये उपाधि है और महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना है। अगला यहाँ पे पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्कंद गुप्त है, स्कंद गुप्त का जो शासन है 455 से यानी कि 467 ईस्वी तक रहा। यहाँ पर जो इसकी जानकारी जो मिलती है वो जूनागढ़ अभिलेख है, ये बहुत फेमस है, ठीक है, यानी कि रुद्र दामन का है, रुद्र दामन का मतलब है जो सातवाहन वंश के थे, रुद्र दामन का ये अभिलेख है, और ये संस्कृत भाषा में बताया जाता है कि लिखित है, लेकिन इसमें ये प्राकृत भाषा है, क्या है, प्राकृत भाषा है, ठीक है, ये ध्यान रख, लेकिन किताबों में संस्कृत भाषा है, लेकिन कुछ का मानना है कि ये यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यहाँ पर स्कंद गुप्त के शासक के बनते ही तो इसमें क्या है जानकारी जो मिलती है, हूणों को ध्यान रखेंगे, यानी कि हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ, और जो आक्रमण हुआ वो यानी कि कुमारगुप्त के अंत में, या ऐसा मानिए कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया, ठीक है, किसने, स्कंद गुप्त ने यानी कि हूणों को पराजित किया, तो इसको ध्यान रखेंगे, हूणों को मलेच्छ कहा गया, ठीक है, कहा मलेच्छ, ध्यान रखेंगे, हूण जो बाहर से जो आक्रमणकारी थे उनको मलेच्छ कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी ये मलेच्छ जो शब्द है वो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी यानी कि इसका उल्लेख किया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे जो मलेच्छ शब्द है। आगे यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, और इस झील का जो निर्माण जो सर्वप्रथम किया था वो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य
के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर कौन थे? पुष्यमित्र। इनको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पर अशोक ने फिर इसका सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे कौन थे? तुषार। ठीक है, तुषार ने इसका पुनरुद्धार किया। तो निर्माण कहता है तो निर्माण इस शब्द को ध्यान रखेंगे, इसका जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने के जो सौराष्ट्र के गवर्नर से पुष्यमित्र, बाकी जो सभी हैं वो क्या है उसका पुनरुद्धार करा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पर रुद्र दामन के जो गवर्नर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद कौन आते हैं? अशोक के बाद तुषार, और तुषार के बाद जो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है ये किसका है? रुद्र दामन का। इसके बारे में मैं पिछली क्लास में इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं जूनागढ़ पर, लेकिन यहाँ पर स्कंद गुप्त का नाम आता है और इसमें जानकारी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आप रिपीट भी कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। बार बार किसी चीज को रिपीट करने से आपकी जो मजबूती बनती है और आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। आगे चलेंगे यहाँ पे, शुद्ध दामन के यानी कि गवर्नर कौन थे? यहाँ पे प्रांतीय गवर्नर, ठीक है, तो सुविशाक थे। आगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्कंद गुप्त, अब यहाँ पे आ जाते हैं स्कंद गुप्त, ठीक है, के गवर्नर यहाँ पर, ठीक है, पणदत्त। तो यहाँ पर जो पणदत्त थे इन्हें राज्यपाल कहा जाता है, यानी कि राज्यपाल, ठीक है, कहीं कहीं पर पुरपाल भी आएगा, आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर चक्रपालित, ठीक है, चक्रपालित यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो इनको ध्यान रखेंगे, इनके गवर्नर जनरल सबको ध्यान रखेंगे, और किस शासक था, ठीक है, किस शासक के ये राज्यपाल रहे या गवर्नर। तो यहाँ पे जो राज्यपाल जो प्रणाली है वो कहाँ से हमें दिखाई देती है, यानी कि मौर्य वंश से ही दिखाई देती है। जो गवर्नर राज्यपाल का मतलब है वहां पे यानी कि प्रांतपति, क्योंकि पहले प्रांत बोला जाता था। अब जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे कि प्रांतों को फिर अगर हम गुप्त पीरियड में देखते हैं तो प्रांतों को भुक्ति कहा गया, क्या है? भुक्ति कहा गया। तो यहाँ पे भुक्ति यानी कि प्रांत, तो वहां पर जब तक हमारा जो कि भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था यानी कि 1953 में, उससे पहले सबको प्रांति बोला जाता था, यानी कि प्रोवंसी बोला जाता था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बाद में राज्य आए, ठीक है, जो राज्य है वो आगे चलते हैं चक्रपालित की देखरेख में। और यहाँ पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ, क्या है? विष्णु मंदिर का निर्माण का, यानी कि ये वैष्णव धर्म को यहाँ पर मानते, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। आगे यहाँ पर जो भीतरी स्तंभ लेख है ये कहाँ पर है? गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश में। इसको पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है, जानकारी इससे क्या मिलती है, और ये भीतरी स्तंभ लेख किसके द्वारा, ठीक है, किसका लेख है, तो इनके बारे में जानकारी आपको ध्यान रखना है, यानी कि भीतरी यानी स्कंदगुप्त। आगे यहाँ पर पुष्यमित्र और हूणों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यानी कि दोनों के बारे में जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र और हूणों को यानी कि हराया था, इसका वर्णन प्राप्त होता है भीतरी अभिलेख में। यहाँ पर स्कंदगुप्त ने यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे किरमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं कि विक्रमादित्य की पहले बार जो है गुप्त शासक में वो किसने धारण की थी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसके बाद जो धारण की है दो ही शासक हैं यानी कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण करते थे? जो शकों को पराजित करते थे। अब देखिए वहां पर मैंने समझाया था कि जो चंद्रगुप्त है तो वहां पर चंद्रगुप्त में जो उनको सकारी कहा गया, और फिर हमने कुमारगुप्त के बारे में समझाया तो उसको यानी कि शक्रादित्य कहा गया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त को यानी कि किरमादित्य कहा गया। तो आपको ये मैच करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। सकारी, शक्रादित्य, किरमादित्य, महेंद्र, महेंद्रादित्य, ये बहुत गड़बड़ी होते हैं।
और ऐसे ही बच्चों के क्वेश्चन यानी के गलत होते हैं जो यानी के लाइनर या ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, तो आप पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि जो आपको यानी कि सारे क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में कवर हो जाते रहे। आगे चलते हैं यहां पर हैंसांग के बारे में। हैंसांग से यानी कि जो जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है, स्कंदगुप्त ने नालंदा संगाराम, ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे, को भी सहायता दी थी, ठीक है, सहायता का प्रमाण मिलता है, ऐसा हैंसांग कहता है। यहाँ पे जो स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट यानी कि जो सांग है, ठीक है, चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक यानी कि राजदूत भेजा। राजदूत का मतलब होता है प्यारे बच्चों एम्बेसडर, जैसे कि आजकल आईएफएस होते हैं ना जो विदेशों में करते हैं नौकरी, तो यहाँ पर क्या है राजदूत, यानी कि किसी राजा का राजदूत को भेजा था, यानी कि स्कंदगुप्त ने। चीनी सम्राट कौन था? सांग। इसको ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि स्कंदगुप्त के समय में यानी कि कौन सा शासक था चीन का जिसके दरबार में यानी कि राजदूत भेजा, तो इसको ध्यान रखेंगे। आजकल ऐसे ही डीपली क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सिक्के के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं स्कंदगुप्त के, वो है व्याघ्र शैली। क्या है? व्याघ्र शैली, इसको ध्यान, यानी व्याघ्र शैली प्रकार के सिक्के चलाए। तो व्याघ्र का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्याघ्र शैली के जो सिक्के थे, इन्हें स्वर्ण सिक्के, ठीक है, जो स्वर्ण सिक्कों का जो वजन था वो 144 ग्रेन से यानी कि बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज तो ये हुआ, लेकिन सिक्कों की मात्रा में यानी कि अशुद्धता बढ़ गई, यानी कि जितना प्योर सिक्के हमें कुषाण वंश के जो शासक हैं उसमें मिलते हैं, जो ग्रीकों ने जो चलाए थे। और आगे जो हम पढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पर जो स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया। तो दिनार जो शब्द है, यानी कि गुप्त काल में हम पढ़ेंगे, आगे भी हम समझाएंगे इसके बारे में। तो दिनार, ठीक है, सिक्कों में मिलावट ज्यादा आ गई थी। क्या है? यानी कि जो शुद्धता कम थी, यानी अशुद्धता के कारण वो यानी कि वेट ज्यादा बढ़ गया। कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि किस साथ यानी कि किस साम्राज्य में या किस शासक के अंतर्गत यानी कि किसका शासन था जिसके समय में यानी कि जो सिक्के हैं उनकी जो शुद्धता है वो कम हो गई थी, ठीक है, यानी कि गिरावट आ गई और भारी हो गए, ठीक है, वो है यानी कि स्कंदगुप्त, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे मध्य भारत में, ठीक है, कुमारगुप्त यानी कि पश्चिमी भारत में, यहाँ पर स्कंदगुप्त ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। कहाँ पर? पश्चिमी भारत में। और कुमारगुप्त भी मैंने दे दिया है कि कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त और सब ने चांदी के सिक्के। तो यहाँ पर ज्यादातर जो मात्रा में चलते थे वो कैसे थे? चांदी के सिक्के थे। इनको ध्यान, क्योंकि तांबे के जो सिक्के यहाँ से जो प्राप्त होते हैं हमें वो बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ पर आप समझिए कि गुप्त पीरियड में चांदी के सिक्के चलते थे, तो इसका मतलब हर आदमी के पास चांदी रहती थी, यानी कि क्योंकि उस समय स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है गुप्त को, क्योंकि सोने के सिक्के चलाए गए थे, और यहाँ पर सोने के सिक्के यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में, और चांदी के सिक्के जो स्वर्ण में ही आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्वर्णिम युग यूं ही नहीं कहा जाता। आजकल जो सरकार है वो, ठीक है, लोहे के सिक्के हैं, और जब देखिए कैसे सिक्के डाले जाते थे, चांदी के सिक्के। अब क्या है का आपको देखते होंगे तो रुपये में थोड़ी एक पत्ता मिलता है जो कि चांदी का होता है, ठीक है, और उसके ही आधार पर सरकार यानी कि रुपये, ठीक है, बनाती है जो कि नोट प्रेस में। आगे चलते हैं, यहाँ पर स्कंदगुप्त ने अयोध्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अयोध्या को जो राजधानी, ठीक है, जो दूसरी राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, यानी कि ध्यान रखेंगे स्कंदगुप्त ने। और वहां पर भी पिछली जो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि उज्जैनी को जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उज्जैनी को ध्यान रखेंगे, उज्जैन महानगरी को, और यहाँ पर अयोध्या को, यानी कि दूसरी राजधानी किसने बनाया, स्कंदगुप्त ने। इन दोनों को ध्यान रखेंगे।
दूसरी राजधानी दो ही शासकों ने बनाई है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी उज्जैनी में, और दूसरी जो बनाई है यानी स्कंदगुप्त ने अयोध्या में। तो इन चीजों को आप मिलाकर पढ़िए। स्कंदगुप्त ने परम भागवत की धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इनको ध्यान रखें। विक्रमादित्य के बारे में पीछे भी बता चुका हूं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त दोनों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और परम भागवत की। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिए। ये दो उपाधियां हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी देती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका बार बार। अगला यहाँ पर पॉइंट लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए गुप्त जो शासक थे इनके बारे में, जो अन्य शासक के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ पर पुरुगुप्त, ठीक है, और नरसिंह जो बालादित्य और कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त, और यहाँ पर वैन्यगुप्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है जो गुप्त वंश के उत्तराधिकारी थे। कौन थे ये उत्तराधिकारी थे? और लेकिन ये बहुत निर्बल थे। कैसे निर्बल शासक थे? क्योंकि धीमे धीमे जो गुप्त जो वंश था उसके जो शासक है कमजोर पड़ने लगे, और उस कमजोरी का जो मेन कारण रहा था वो सामंती व्यवस्था थी। तो जो सामंतवाद की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो गुप्त पीरियड से ही, यानी कि सामंतवादी और विकेंद्रीकरण की सत्ता में परिवर्ति कहां से स्टार्ट हुई है, यानी कि गुप्त वंश। इन दो शब्दों को ध्यान रखेंगे, विकेंद्रीकरण और सामंतवादी प्रथा, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे नरसिंह जो बालादित्य जो कहते कि बौद्ध अनुयायी थे, कैसे थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। यहाँ पे जो हूण नरेश जो मिहिरपुर को पराजित किया था, इसके बारे में मैंने हूणों के आक्रमण के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक एक वीडियो अलग से बनाई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नरसिंह जो बालादित्य थे इनके समय में जो साम्राज्य है वो, ठीक है, यानी कि तीन भागों में बट गया था। कितना? तीन भागों में बट गया था। तो इसलिए यानी कि जब कोई चीज का बंटवारा हो गया तो यानी कि वहां पर जो शक्ति है वो विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर तीन क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखेंगे जो मगध जो क्षेत्र था, यहाँ पर मगध क्षेत्र किसके अंडर में था? नरसिंह बालादित्य में। और यहाँ पर जो मालवा था वो कौन शासक थे? यहाँ पर भानुगुप्त शासक थे। और जो बंगाल के जो शासक कौन थे इनका ध्यान रखेंगे, यानी कि वैन्यगुप्त, यानी कि जो मगध सा यानी कि यहाँ पर बट गया और इसी कारण से ये कमजोर हो गया। आगे चलते हैंसांग। जो हैंसांग के अनुसार, यहाँ पर जो हैंसांग जो लिखा इसके अनुसार हमें बालादित्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर जो नरसिंह बालादित्य ने महिरकुल को बंदी बना लिया था। क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। परंतु बालादित्य की जो मां के कहने पर उसको मुक्त कर दिया था, ठीक है, मिहिरकुल को। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल पिछली क्लास में दी है, तो वहां देख सकते हैं हूणों का आक्रमण। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भानुगुप्त, ये बहुत पूछा गया। आपकी जो कोई भी परीक्षा होती है ज्यादातर ये क्वेश्चन बार बार आप देखते हैं कि सती प्रथा का हमें सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में हमने संपूर्ण नॉलेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भानुगुप्त, जो यहाँ पर जो भानुगुप्त जो मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपका, किताबों में आपका क्लियर नहीं होने वाला अगर वहां पर आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए जो भानुगुप्त यानी कि मालवा का शासक था, यहाँ पर जो भानुगुप्त है यहाँ पर ध्यान रखेंगे 510 का के एरन अभिलेख है, ठीक है, एरन अभिलेख कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहां पर ध्यान, इससे हमें सर्वप्रथम सती प्रथा, अब यहां पर सीधा हाईलाइट कीजिए आपको ध्यान आ जाएगा सती प्रथा, इसलिए मैंने मोटे अक्षरों में सती प्रथा डाल दिया। तो यहां पर सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम प्रमाण या जानकारी किसी अभिलेख के द्वारा जो प्राप्त होती है वो है एरन अभिलेख, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि कौन शासक था,
यानी कि भानुगुप्त का के ऐरण अभिलेख है। ध्यान रखें यहाँ पर भानुगुप्त के जो सेनापति थे, ठीक है, मैंने सेनापति का भी नाम डाल दिया, यानी कि गोपराज थे। कौन थे? गोपराज थे। इनकी पत्नी थी यानी कि भानुमती, ठीक है, ये सती हुई थी। कौन हुई थी? भानुमती। इनको ध्यान रखेंगे, इसके बारे में मैंने इतना ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। यहाँ पर बुद्धगुप्त ने, ठीक है, आगे बुद्धगुप्त ने नालंदा संगाराम को दान दिया, ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन पूछ सकता है कि नालंदा संगाराम को दान किसने दिया। तो यहाँ पर नालंदा संगाराम को मैंने पिछली में भी आपको बता चुका हूं, दो लोगों ने दान दिया। अगला यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर गुप्त वंश का अंतिम, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि महान सागर, ठीक है, महान शासक, अंतिम महान शासक, तो यहाँ पर था कुमार गुप्त तृतीय, ठीक है, महान यहां तक रहे। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम यानी कि गुप्त शासक, महान नहीं, यहाँ पर महान नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, महान शब्द नहीं, अंतिम गुप्त शासक इतना आता है, तो आप टिक करेंगे यानी कि विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त अंतिम शासक। यहाँ पर गुप्तों के पतन के बाद यानी कि जो बल्लवी के मैत्रक आए, बल्लवी के यानी कि मैत्रक, और उसके बाद कन्नौज के मौखरी, ठीक है, यानी कि ये राज्यों का उदय हुआ। यहाँ पर थानेसर के कौन थे? पुष्य वंश के बारे में यहाँ पर उदय हुआ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बताएं कि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी है आपको कितना ठीक लगी। तो प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।